माननीय मंत्री जी कृपया आप बताएं कि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं 9000 टोटल 20,000 मशीनें पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को दी गई, आज आप रिपोर्ट में कह रहे हैं 56,000 मशीनें दी गई, तो मान्यवर 36,000 मशीनें कहा गई, पराली काटने की किसानों की मशीनें कहां चली गई मान्यवर? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को गालियां देके अगर प्रदूषण कम कर सकते हो तो मैं आमंत्रित करता हूं, दिन रात केजरीवाल जी को गालियां दीजिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपने दूसरे सदन में केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर मजाक उड़ाया। मैं प्रार्थना करता हूं भाजपा के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ईश्वर इनको लंबी उम्र दे। आप केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहे, ऑड इवेंट के विरोध में माननीय सदस्य निकल जाते हैं, ये सांसद है मान्यवर जो ऑड इवेंट का विरोध कर रहे हैं। हम दिल्ली में पटाखे नहीं दगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, आप पटाखे दगाते हैं, दिल्ली वालों को प्रदूषण में डालने का काम करते हैं, शर्म आती है मान्यवर। इस मानसिकता से अगर आप प्रदूषण से लड़ेंगे तो दिल्ली के बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, दिल्ली के बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की गई मान्यवर, बस उतना कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स मान्यवर, आज बाकी शहरों की बात मैं कर रहा हूँ, गाजियाबाद में 353, ग्रेटर नोएडा में 338, कानपुर में 335, पानीपत में 331, मेरठ में 330, बागपत में 328, हरियाणा जमुनानगर में 321, नोएडा में 318, मुरादाबाद में 306, भिवानी में 302, आज 10 शहरों की जो सूची है उसमें भी दिल्ली का नाम नहीं। फिर भी दिल्ली को बदनाम करते हो, फिर भी दिल्ली के बारे में गैस चंबर प्रचार करते हो, यह मानसिकता बदलो। ये मुद्दा सुनिए, ये मुद्दा पूरे देश के लिए हम सब, प्लीज प्लीज नाम हम आप प्लीज संजय जी प्लीज टेक योर सीट सर, सुनिए ये सुनिए सुनिए विजय विजय जी, माननीय विजय जी, ये संजय जी गलत बात है सर, ग्लोबल लिबिलिटी आप सबसे आग्रह है, ये सबका मुद्दा है संजय जी, आप सर ग्लोबलिटी रिकॉर्ड के अंदर ये सबका मुद्दा है, फिर आप नहीं बोल पाओगे, ये सबका मुद्दा है, आप बोले सारे देश का मुद्दा है, ये इसको राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग बहस करें, राजनीति से ऊपर उठकर तो भाई आप क्यों खड़े हो गए वर्मा जी, प्लीज कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, दूषित क्यों हो रहे हैं आप सर? ग्लोबल डिबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 112 से 118वें स्थान पर पहुंच गई। गंगाराम के हॉस्पिटल की रिसर्च कहती है लंग कैंसर पेशेंट की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि अच्छी हवा के सिर्फ चार दिन 10,000 से लोग ज्यादा 2017 में श्वास की बीमारी से मरे हैं। लोग अभी घबरा क्यों गए, अभी से क्यों घबरा गए? आपका मौका आया, बोलेंगे सांस लेना आज 25 सिगरेट के बराबर हो गए हैं। नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें कितनी जहरीली सांस आप भर रहे हैं इसका आपको अंदाजा नहीं है। अध्यक्ष जी 5 साल में दिल्ली की जो देन है वो मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली में मास्क दिए हैं जी, 50,00,000 मास्क बांट के भ्रष्टाचार कर दिया, एक आदमी मास्क लगाए हुए मिलेगा नहीं, पर दिल्ली को मास्क पे डाल दिया है। दूसरा अध्यक्ष जी, जल प्रदूषण इतना ज्यादा है कि आज बोतल का पानी पीना पड़ रहा है, बोतल का पानी पीना पड़ रहा है। तीसरा सर विजय जी, ये देश का मुद्दा है, ये किसी सरकार का नहीं। अरे आप क्यों खड़े हो गए, आपको क्या कह रहा हूं सर? आपका समय पूरा हुआ, आपका समय, अरे आप क्यों अपनी जगह आ रहे हैं? अरे आपका समय पूरा हुआ, एयर प्यूरिफायर है ये सर, मेरा कैसे आपका समय पूरा हुआ करने दे रहे एयर सर, ये एयर प्यूरिफायर है, ये घर घर के अंदर पहुंच गया है एयर प्यूरिफायर सर। ये देखिए अखबार में करोड़ों रुपए के विज्ञापन, कृपया ये प्रदूषण के करोड़ों रुपए ये नहीं दिखा सकते मिस्टर विजय गोयल जी, आप नहीं दिखा सकते ये चीजें। मैं जो चीजें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपको पीनी पड़ेगी। विजय गोयल जी आप ये चीजें दिखा रहे हैं,
मिल जाएंगी उसको। विजय गोयल जी आप कोई चीज नहीं दिखा सकते। नहीं मैं आठ बजे ये साहब को सभापति जी आप कंक्लूड करिए, अपनी बात खत्म करिए। पराली चला रहे हैं आप, अपनी बात खत्म करिए। पराली आप पंजाब में जला रहे हैं, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। कोई और माननीय सदस्य बैठे, गंभीर मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है। अब तक विजय गोयल जी आपका समय खत्म हुआ। प्रदूषण को कम करने के लिए नहीं किया है। स्पीकर को बुलाता हूँ, आपका समय खत्म हुआ। अध्यक्ष जी आपका समय खत्म हुआ। कंस्ट्रक्शन डस्ट पे काम करना था, इन्होंने एक काम नहीं किया। मैंने इनको रोड डस्ट के लिए छिड़काव करना था, इन्होंने नहीं किया। इनको इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे काम करना था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने स्मोक प्रोफेसर मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, अब आपकी बात, आपका समय पूरा हुआ। प्रोफेसर मनोज कुमार झा की बात रिकॉर्ड पे जाएगी। नहीं कोई प्लीज शुक्रिया, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे अब नहीं जाएगी। आपका समय पूरा हुआ। शुक्रिया मनोज कुमार झा, प्लीज आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। विजय गोयल जी आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप चलिए, शुक्रिया मनोज झा जी महोदय, आप प्लीज प्लीज बोलो। शुक्रिया सभापति महोदय, प्लीज नहीं आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। विजय जी डोंट फोर्स मी, डोंट प्लीज। विजय जी आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बोले नहीं बताना तुमको चेहरा। अरे उनकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। चेहरा नहीं बोल रहे भगवान। विजय गोयल जी आप कृपया बैठे। कैसे मैं बोलूं, ये आदमी क्या है भाई? आप बैठे, अब आपका समय पूरा हुआ। आप रिपोर्ट पे नहीं जा। शुक्रिया सभा उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और सदन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे हम तमाम लोग एक साथ बैठ कर चर्चा कर रहे हैं। सर ये विजय गोयल जी ने बस चुप करा दिया। क्या बोल रहे हैं आप? इसका चुप करा, बैठ जाइए। दूसरा आप बैठ जाओ, आप समझ नहीं रहे। बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसे बोलूं यार संजय भाई, ऐसे हम हमारी आदत है। मुख्यमंत्री का चेहरा नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, ऐसे नहीं बात कर। नो 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 नो, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड मिस्टर विजय गोयल। नाउ नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। श्रीमती जया बच्चन जी। थैंक यू सर। सबसे पहले मंत्री जी को बहुत बधाई, आपका कल का शो बहुत भव्य रहा। उम्मीद है कि पर्यावरण का शो भी आपका भव्य रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ सर। हाउस में इतने लोगों के होने से पता चल रहा है कि इसको हम कितनी सीरियसली ले रहे हैं। पार्टिसिपेशन जो है इज फैंटास्टिक फॉर सच अ सीरियस कॉज। माई अपील इज थ्रू यू टू एवरीवन, लेट अस नॉट पोलिटिसाइज दिस। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुमोरोज जेनरेशन। हम तो कल तक जो चेंजेस हैं उसको भोग पाएंगे या नहीं आई डोंट नो, बट लेट्स सी दैट आर चिल्ड्रन हु आर रियली their growth is getting stunted because of this terrible pollution which is caused due to the environment causes. You know that a lot of people have said a lot of things about ice and melting and water. I mean, you know, people who live near the sea or near water, I don't know how long we'll be able to live there because the water level is rising and we live right next to the sea. It's a major problem. People who live in Delhi शायद बच जाएंगे, हम लोगों का क्या होगा पता नहीं। With pollution, without pollution, आप लोग बच जाएंगे। Sir, countries like Ireland and England have declared emergency, environmental emergency. My request to you is, sir, please do that. आप लोग तो बहुत सी चीज़ें बगैर बोले इमरजेंसी चल रहा है, बट इसमें बहुत सीरियसली करने की ज़रूरत है। आप डिक्लेयर करिए एंड यू प्लीज़ पेनलाइज पीपल, नॉट ओनली डोंट पुट द ब्लेम ऑन फार्मर्स। ये सब
गलत चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया और अखबारों के थ्रू प्रोपगेट किया जा रहा है. दिल्ली इज़ नॉट द ओनली पोल्यूटेड सिटी इन दिस कंट्री. देर आर अदर सिटीज विच आर इक्वली पोल्यूटेड, मे बी अ लिटिल लेस. फॉर एग्जाम्पल कानपुर एंड वाराणसी. इट्स अ शेम. प्लीज डिक्लेयर environmental emergency and hold people responsible and punish right. them. This is the only language, unfortunately, we understand. Thank you very much. Right, ma. Thank you.